करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने चार ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो शहर की शांति भंग करते हुए लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन पुलिस की चौकसी और कानून के लंबे हाथ उन्हें एक ना एक दिन पकड़ जरूर लेते हैं। करनाल पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये वही बदमाश हैं जो शहर में दहशत कायम करने के इरादे से लूटपाट जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते थे। ये बदमाश पहले चाकू से हमला कर शख्स के शरीर पर गहरे निशान देते थे और लूट कर आसानी से फरार भी हो जाते थे। हाल ही में इन आरोपियों ने एक दिन में 3 लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने गहनता से जांच करते हुए मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो इसमें हमने 4 मुजरिमों को आज गिरफ्तार किया है, राउंड अप किया है, और इनको गिरफ्तार करने के बावजूद जो इन्होंने चक्कू वगैरह जिस चीज में यूज किए थे और मोटरसाइकिल वगैरह बरामद करनी है, तो इन्होंने अलग अलग इसमें घटना को अंजाम दिया है। 2 तो एक जगह है, तीसरा एक उसमें वो है, और इन जो आदमियों को इनको जो चक्कू मारे हैं ये बिल्कुल कोई इनकी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, कोई किसी चीज़ का वो नहीं थी। ये एक शहर में दहशत फैलाने के लिए उसमें वो थी कि भाई इस तरह की घटना करेंगे तो दहशत फैलेगी। तो इस संबंध में इन 4 को हमने गिरफ्तार किया, 4 मुलजिम हैं। हालांकि अभी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और उनकी तलाश लगातार जारी है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पुलिस बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लेगी। 4 आदमियों को अरेस्ट किए हैं, इनका रिमांड लिया जाएगा, उससे बाद पूछताछ में 2 का नाम, 2 इन्होंने और डिस्क्लोज किए हैं, 2 आदमी हो रहे हैं, उनको भी हम कल तक अरेस्ट कर लेंगे और कोर्ट में पेश कर इनका रिमांड लिया जाएगा। किस तरीके से वारदात को अंजाम देते थे, पहले भी इनकी कोई इस तरीके की हिस्ट्री है? अभी तक कोई हिस्ट्री हमारे सामने नहीं आई है, बाकी अभी रिमांड लेंगे, उसके बाद जो भी इसकी हिस्ट्री वगैरह पता करेंगे वो हम आपको बता सर। जिनको चाकू मारा उनकी हालत कैसी है? उनकी एक को तो पेट में चाकू लगा था, एक इसमें डिस्चार्ज हो चुका है, एक थोड़ा सीरियस थे वो फिर ठीक है, दूसरे भी ठीक है। बरहाट पुलिस 2 आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि कब शहर अपराध मुक्त होगा और लोग चैन की सांस ले सकेंगे।